हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजी टूट के एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगा कि अगर आप अपने कंप्यूटर में लिनक्स ओएस को बिना इंस्टॉल करके यूज करना चाहते हैं तो फिर वो कैसे करें। इसके लिए जरूरी है एक बूटेबल पेन ड्राइव, जहाँ पर आप उस पेन ड्राइव में आपका जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल करके इसको लाइव यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है इसका ही वीडियो मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये Technology tool, tips, tricks and reviews Hindi में। अब bootable USB pen drive को बनाने के लिए आपको तीन चीजों का होना जरूरी है। पहला है आपका एक pen drive। अगर आपके पास pen drive नहीं है तो फिर आप मेमोरी कार्ड को भी यूज कर सकते हो, उसको कार्ड रीडर में डाल के आप कंप्यूटर में यूज कर सकते हो। और दूसरा चीज है एक सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और जरूरी है एक लिनक्स ओएस का आईएसओ इमेज। कुछ लिनक्स ओएस का आईएसओ इमेज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि पहले क्या करना है। तो पहले आपको क्या करना होगा, जो पेन ड्राइव है उसको आपको इंसर्ट करना होगा। देखिए मेरे पास अभी एक पेन ड्राइव शो कर रहा है, ये मेरा 4 GB का पेन ड्राइव है। और ध्यान दीजिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जो साइज है उसके बड़ा आपको पेन ड्राइव लेना है। जैसे कि यहाँ पर मेरा ओएस जो Ubuntu OS है उसका साइज है 1.5 GB, तो मैं अभी यूज कर रहा हूँ एक 4 GB का पेन ड्राइव। तो पहले आपको क्या करना होगा, पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना होगा। तो राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट में जाइए और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो फाइल सिस्टम है उसको आपको FAT32 में ही आपको फॉर्मेट करना है। तो फिर फॉर्मेट स्टार्ट कर दीजिए और कुछ ही सेकेंड में आपका ये फॉर्मेट हो जाएगा। तो देखिए मेरा पेन ड्राइव अभी फॉर्मेट हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इसका नाम है रेफ्यूज 2.15। इसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप यहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको इसको सिंपली इंस्टॉल करके डबल क्लिक करना है तो, और इसको इस एप्लीकेशन को ऑन करना है। तो आपके सामने एक ऐसा एक पेज आएगा। आप देखिए यहाँ पर जो मेरा डिवाइस है ये खुद ही डिटेक्ट कर लिया है जो पेन ड्राइव है मेरा 4 GB का। अभी आपको यहाँ पर जो जो सेटिंग्स है उसको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करना है। और नीचे जाके देख यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री डॉट और उसके बगल में एक छोटा सा आइकॉन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और आपका जो ओएस का जो आईएसओ इमेज है वो जहाँ पर है उसका पथ यहाँ पर डालना है। अभी मुझे यहाँ पर उस आईएसओ इमेज का पाथ डालना है, तो मेरे डेस्कटॉप में ही वो फाइल है तो डेस्कटॉप मैंने सिलेक्ट कर ले। उसके बाद ये उबुंटू जो आईएसओ इमेज है और उसके बाद इसको ओपन करना है। और देखिए यहाँ पर रेडी ये ऑप्शन आ गया, उसके नीचे देखिए स्टार्ट जो है उस बटन को आपको दबाना है और यस कर देना है। तो आपका ये जो प्रोसेस है ये शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है और जो आईएसओ इमेज है वो कॉपी हो रहा है। तो मैं इस वीडियो को अभी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ अगला प्रोसेस। देखिए मेरा जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर जो पूरा ग्रीन हो गया है ये पूरा वर्ड। अभी इसको हम सिंपली क्लोज कर देंगे और आपका जो पेन ड्राइव है वो अभी बूटेबल हो चुका है। देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो पेन ड्राइव है ये बूटेबल हो गया है। अब आपको क्या करना होगा, आपके कंप्यूटर को पूरा पूरा शट डाउन करना होगा। तो अभी मैंने लैपटॉप को शट डाउन कर चुका हूँ। अभी मैं पेन ड्राइव को इंसर्ट करूँगा और उसके बाद मैं पावर बटन को दबाऊंगा और आपको बूट मेनू खोलना होगा इसके लिए। तो बूट मेनू कैसे खोलते हैं, तो जैसे आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में स्पेसिफिक की होगा। जैसे कि मेरे वाले में F9 अगर मैं दबाऊंगा तो मेरा बूट मेनू खुल जाएगा। तो देख लेते हैं, पावर बटन के दबाने के बाद आपको जल्दी जल्दी F9 दबाना होगा तो आपके सामने ऐसे ही बूट मेनू ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये बूट मेनू मैंने ओपन कर लिया। और अभी आपको क्या करना होगा, आपको पेन ड्राइव सेट करना होगा। जैसे कि मेरे यहाँ पर जो पहले ही दिखा रहा है यूएसबी हार्ड ड्राइव, तो मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा और उसके बाद देखिए ट्राई विद उबुंटू विदाउट इंस्टॉलिंग, यही पड़ी मेरे को यहाँ पर
इसको एंटर करना है, तो आपके सामने उबुंटू ओपन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये उबुंटू कैसे ओपन होगा। तो देखिए उबुंटू का पेज हमारे सामने आ गया है और ये आराम से काज काम भी कर रहा है, देख सकते हैं आप। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, उसके साथ साथ सब्सक्राइब बटन पर भी दबा दीजिए। इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो लेके, अभी के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।